यू ऑल वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। ठीक है, और सुबह सुबह तैयारी हो रही है जिम के लिए। वैसे हमारा टाइमिंग हमें 11 बजे पहुंचना होता है, पर हम 11 या 11:15 तक निकलते हैं, उस चक्कर में लेट हो जाता है, विच इज वेरी रॉन्ग। डिसिप्लिन अभी भी हमें आना बाकी है थोड़ा बहुत, है ना यार? यहाँ पे क्यों रख दिया तुमने सब? क्यों जरूर करना क्या है? मैं कोई यार, मेरा नहीं खुल रही, कपड़े कहाँ से निकालूं? कपड़े निकालूं जो पहना वो चला जाओ जिम। अब ये आउटफिट बनाएगा जिम जाने के लिए, कुछ तगड़ा दिमाग लगा। आउटफिट नहीं बना रहा है, तो कुछ पहन के जाऊंगा आज। आज कुछ भी डे है, आज प्लेन डे है। कीपिंग इट बेसिक। आज नो निकर डे है। अरे नहीं, तू सिर्फ पजामे पहन के नहीं आ सकता। और आज है इसका लेग्स डे। मेरा लेग्स डे था मंडे को और इसका आ रहा है सैटरडे को, बाकी संडे और रेस्ट मिले आपको। अच्छा यार, ऐसा नहीं कुछ होता, कोई ऐसा लेग डे में सबसे ज्यादा हालत खराब होती है। आज पहली बार इसका लेग डे, से पहले ही मिक्स ही मारा था एक हफ्ते से। पागल है क्या? खुद ही बताया विशाल, कल तूने पिछले हफ्ते मारी थी, इस हफ्ते तो मैंने डे बाय डे चला हूं मैं। पर तूने कल क्या बताया कि फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरा ऐसे डेज? लेग्स तो फर्स्ट टाइम ही मारूंगा। कहीं तेरी अपर बॉडी बन जाए, लेग्स पतली रह जाए, ऐसे नहीं होता कभी, बराबर करा कर। और मम्मी हमारे लिए डाइट बना रही है। मेरी जैसे कोई डाइट ही नहीं है मेरा, मतलब मैं डाइट ऐसा कुछ अभी तो फॉलो नहीं करती हूँ। विद्यू से बनाना शेक सुबह सुबह, और विशाल कुछ अलग ही चीज खाता है, वो दिखाती हूँ। मतलब पता नहीं, अलग तो नहीं है, इसी देखो बनाना मम्मी ने काट दी। अब इसमें डालेगा पीनट बटर भर के और फिर खाएगा, पता नहीं क्या चाह रहा है ये। और हमारे साथ साथ एक नया बंदा है जो वो भी जिम ज्वाइन करना चाहता है। स्पेशली हमारी जिम के लिए इतनी दूर से आता है। मैं दिखाता हूँ। ओए उठ, ओए उठ, सुन दे यार बड़ी। जिम नहीं जाएगा? कैसा, कैसी हरकत कर रहा है तू? जिम करके आ गया मैं। इसको मैंने बोला, इसको ना इतने गद्दे से क्या प्यार है, इसको मैंने बोला कि तू यहाँ गद्दा लगा ले साहू, इतनी खुली जगह है। पर नहीं, वही कोने में लगाएगा। अब आइए उठ, जिम करके आ गया जब तुम सो रहे थे। हैं? मैं जिम करके आ गया। कर क्या है? अबे दोबारा चल, दो बार करेंगे, दो बार बॉडी बनेगी। चल चल चल, बॉडी बन गई भाई। अरे चल तू मेरे जिम में, चल के जिम में मज्जा। इसके जिम वाला दिखाई दे रहा वीडियो, वो है मज्जा। अरे मम्मी कर रही थी, मम्मी उठाएंगी मेरे को। मैं चीज में सुननी है, जिम जाओ। 6 बार बोलते हैं भूल जा, क्योंकि मुझे आंटी कितना झूठ बोलते हैं भाई। 6 बार तो बोला, अभी एक बार ही बोला है। 4 बार उसने बोला, 2 बार वो कह रही जिम जा। आपने कितने बार बोला ये बताओ? हो गए टोटल 6, थोड़ा और इसने भी 4 बार नहीं बोला। चल चल जिम चलते आ रहे, मेरा जिम चल। अरे मेरे जिम चल, वैसे कोई मेरा जिम पार्टनर उधर बोल रहा था मैं कभी। मिल ले, मिल लो, मिल लो। क्लेरा है? हां वही देख रहा हूं। तेरे को मैं बना दूं क्या? क्या ये क्या बना रहे? कोई बना दे पागल। भाई एक मिनट का सिस्टम है, मशीन ऐसी है हमारे पास। मैं तो चाय पी के जाता हूँ। अरे एक काम करो, तुम सारे मेरे जिम में चलो, तू भी चल, ये भी चलेगा, स्टार भी चल लो, सारे चल लो। वैसे तुम्हें एक दिन तो वैसे ही था, 7 बार आ सकते हैं मेरे जिम में, 7-8 बार। बना दो, बना दो, टाइम नहीं लगेगा। मेरे जिम में चल ले यार, चले 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 चल यार। मैं तो जा रहा हूँ विशाल के जिम में, भाई साहब वार्म अप करूंगा, फुटबॉल उडुल फेंक के मारूंगा, ट्रेनर से मिलूंगा पहले जाती। ट्रेनर है नहीं भाई, है है वो जिम टाइमिंग पे आता है, तुम्हारे 24 घंटे रहता है ट्रेनर अवेलेबल। हाँ जब तक जिम खुली है तब तक ट्रेनर रहता। लोकल जिमों में, लोकल जिम कितनी लोकल थी तुम्हारी जितनी है मैंने देखी नहीं। इनकी वैसे ठीक है, इनका हेल्पर होता है, ट्रेनर पता क्या है? पर तो वो सामान वामान उठाने, एक ट्रेनर तो होता ही, एक तो जिम का ओनर ट्रेनर होता है वो भी, और एक ट्रेनर उसके साथ रहता है, दो तो रहते ही हमेशा। ओनर थोड़ी रहता कभी जिम में, ओनर हमारे में रहता है तो ओनर की पट्टी उसकी फटी पड़ी रहती है, कोई चोरी चकारी ना हो जाए। काम इतने भाई, जब उसकी जिम खुली है तो वो रहेगा। फटी पड़ी उसकी डंबल ना ले जा कोई, उठा के एक बार पूरे लग रहा है क्यों ले जाएगा कोई। ले जाता है तुम्हारा ओनर है चोर, यहाँ बोल के ना कहीं और चोरी करने जाता है भाई। उसके बहुत सारे जिम होंगे कहीं ना जिम। तो आज तू पता करके आए? मैंने सुना था घर में है जिम। नहीं अरे वो बल्ली का है, वो घर के अंदर है ना कोई जिम, बल्ली का है वो जिम घर के अंदर। घर के अंदर दिखाई तो वीडियो कॉल में, यहाँ पे किसी उत्तम नगर में दूसरे फ्लोर पे जिम था, बसंती करता था शायद, पता नहीं कोई इनमें से करता था, स्टार में घर में छोड़ी है फ्लोर है। वो जा रहा है इन चप्पलों में जिम, जा जा जा, पैंट पहन के जा रहा है जिम। देखो वहां पर मिलेगा स्टार बॉय द ट्रेनर, स्टार बॉय ट्रेन करता है ना। इनका एक मशीन है जो मैंने यहाँ पर भी नहीं है, व्हील वाली, वैसे मिक्स मिक्स कर रही है। मेरा था आज, मेरा बैक है, शोल्डर डे है। कैसे क्या कर रही है, बैक और शोल्डर दोनों एक साथ? नहीं कोई एक डे है, बताएंगे।
कौन सा डे है? मेरा लेग डे भी हो गया, चेस्ट डे था कल। ये कैसे बचता है? ये कुछ होता है, जैसे ही चलती है तो बचता है। जैसे ही थोड़ा चलती है गेट बंद। साफट है ना ऊपर? तो साफट में ही है, हवा आती है ना, तो हवा चल रही है बहुत बार। हाँ चल तो रही है विशाल, ध्यान से ले, उठना चाहिए। दे दो ये मेरे को, ये तो थोड़ा सा देख 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 लाओ, यहाँ दो। मेरे में नहीं पी सकती क्या? उसको भी ना दो यार, मैंने बनाया उसके लिए, तो आप मेरे को दे दो। तो भाई स्टार बॉय मार रहा है आज अपने बहुत ज्यादा सहूलियत के हिसाब से, हैवी वेट मार मार ले भाई। एक उधर लगा पड़ा है, पैंट फाड़ देगा आज आदमी। ये फटी चर ओए, पैंट फट जाएगी। इधर मोनू लगा पड़ा है भाई, ये देखो ले भाई, वो अपनी एक्सरसाइज करके बैठा है, मतलब हो चुका है इसका एक्सरसाइज। स्टार वो तेरी पैंट फट गई पीछे से, चल नहीं पा रहा, इतनी एक्सरसाइज कर ली। तेरी तो फोटो छपनी चाहिए जिम में। ओए तेरी फोटो लगवा दी जिम में। मर गया इस जिम में आते जिंदा हो गया। सोचना इस जिम में आते जिंदा हो गया। अबे स्टार में तो दो जूते पहन के आएगा, दो नाइकी लेके। ये कहाँ से लिया है? घर चला जाएगा। ये मेरा घर तो नहीं जा पाएगा बेटे, ध्यान रख लो, गेट तक नहीं जा पाएगा। तो भाई स्टार बॉय देखिए अपना, ये देखिए एयरफोन, ये देख लो ले भाई, किस एयर तो कर भी रखा किसी ने। देखो लड़ाई कर रहा हूँ। कौन कर रहा लड़ाई? लड़ाई कर रहा है विशाल। अबे किससे लड़ रहा है? घूसे मार रहा है। प्रैक्टिस कर ले परी को घूसे मारने। सो जा परी पे बजाने का मौका मिल गया तुझे। ओ साले इतना वो मत कर, अगर पता है हड्डी चटक जाती है। रहन दे, सीधा सीधा मारते हैं, मुझे पता है। भूत ऐसा चढ़ गया है इसको, अपने डॉगी से रैप्स मार रही है। चल अब यही सेम चीज इस बड़े वाले को उठा ले। अब ऐसे थोड़ी साइड से उठाना। क्या हुआ, हालत खराब हो गई? मैं अभी ऐसे लेटा हुआ था तो मैंने इसको बोला कि मेरे सर में ना ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे ऐसे। इसके बाल इतने गंदे हो रहे हैं जी। कह रही मैं तेरे सर में हाथ डाल रही हूँ, मेरे को बदबू आ रही है। कोई लॉजिक नहीं होता इसकी बातों का। फिर हमने डिसाइड करा कि मेरे बालों में लगाएगी तेल। नहीं मैंने खुद से ही बोल दिया, ठीक है। और मैं कभी भी वो नहीं करती थी, इधर आलस, इतना फालतू का आलस भरी हूँ मैं, पर इतना भी नहीं। बैक मार के आइए, कितने ड्रामे कर रही है। एंड लुक एट हर, जेलसी। आर यू जेलस मम्मी? You have no friends? आज तो मुझे बहुत ही हो रही है। क्यों? यहाँ तो बोल के थक जाओ, हमारे लिए तो नहीं करते। देख लो, क्योंकि आप ही लगाती मेरे बालों में तेल। मैं बड़ा लगाता हूँ। ब्लॉग में भी दिखाई दे रहा होगा कि माँ कितना लगाती है, कभी कभी लगा देगी सालों में। ये है मेरी, ये है परी मसाज। मत कर परी जान के यार, मैं बता रही हूँ, दर्द हो रहा है, मत कर, फिर मत लगा रहे अंदे। अच्छा मैं एक ऐसी मसाज करूंगी तगड़ी, मारने पीटने वाली मसाज मत कर। हमेशा हल्के हाथ से मसाज करो, फिर उसको थोड़ा नींद में करो और उसका वॉलेट लेके भाग जाओ, जैसे उसकी आंखें धीमी धीमी बंद होने लगे। क्या पता उसके वॉलेट में पैसे ही ना हो, क्या पता उसके पेटीएम में हो। मैं नहीं कर रही फिर। अरे हाँ जल्दी कर, नहीं है। अरे बाल क्यों खींच रही है? ये मैंने अपनी दीदी, उन्होंने दीदी पागल है तेरी, फिर चुप रह, ऐसे घुमाती है इसको, दे इसको दे, ऐसे कर दी। ला तू कर, दोनों भाई बहन आज, दोनों भाई बहन सेवा में लगे हुए हैं। भाइयों का तो नहीं, मेरा तो नहीं होगा फिर। कर दी, नहीं मैं जा रही हूँ अपना कॉफी। उसने मेरी मशीन नहीं चलाई, उसका भाई नहीं है। अब वो इधर आ, इधर आ, मेरी कसम है, मैं कसम दी, देखती हूँ तू आएगा नहीं आएगा। लगी पड़ी अपनी बात बनवाने में। भाई नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। ओ ले ले मारने।
अंदर गई मम्मी से बोल लेगी मशीन चलाने के लिए कह रहा मेरे को बोल रहा चला नहीं रहा उन्होंने बोल दिया तू चला ले फिर इधर आ जल्दी अरे परी तू ही चला दे थोड़ी देर 5 मिनट की बात है विशाल सर ने भी तेल लगाओ मशीन में चलाओ 5 मिनट की बात है चला दे फटाफट बता दे क्या तू कितने एक्सरसाइज में दर्द होता है तो खुद ही आई पैंपर करने मेरे को मैंने थोड़ी बोला मैं जैसे सर में तेल लगाने आई थी हां तो ये भी कर दे क्या हो गया फिर पैंपर करने मैं ही तेरे को बंदी कर रही मशीन बैठे पहले अपने वर्ड वापस लेगी मैंने ऐसा कुछ नहीं करा मम्मी मम्मी गला घोट रहा है मेरा देखो इतना सा पकड़ रखा है देखो बस मत करना तू जान नहाने जेने ब्लॉक क्यों नहीं बंद कर रही जब मरी रही हो देखो कुछ ही दबा ले नहीं तू यही पहनता है ब्लैक वाली हो रही है व्हाइट वाली तुझे क्या हो गया व्हाइट वाली दूसरी बार पहनी है बस मैंने तीसरी बार तो जो भी है बनियान छोड़ दे भाई क्यों छोड़ू बनियान अच्छी है भाई डोलो से किलस्ते हो गया तुम डोले अभी तो डोले बने भी नहीं है अरे बन गए दो हाथ लगाओ यहाँ पर डोले है यहाँ पर लगाओ अपने दिखा मेरे नहीं है अच्छा तू तो नहीं कर सकती जिम अब बोल कैसी मम्मी आप डीमोटिवेट कर रही हो डीमोटिवेट नहीं क्योंकि मैंने तेरा खाना देखा तो खाना नहीं खाती प्रॉपर वो भी देखा वो ठूसता है अरे वो ठूसता है तू प्रोटीन में लेती क्या ठूसना अच्छा है ठूसो ठूसो कोई नहीं भैया ये वजह का थोड़ी ठूसेंगे जब मन करे तभी तो ठूसेगा बंदा फिर तो जब मन बॉडी का भी जब मन करेगा ना तभी बनेगी वो ठीक है अपना काम कर चल बोला द्वारका वाले आकाश पे आ तू यहाँ क्या कर रहा है तूने जहाँ बोला वहाँ आकाश हॉस्पिटल आकाश हॉस्पिटल तो इसे द्वारका मेंशन किया था नहीं द्वारका मेंशन द्वारका बोला था मैंने नहीं बोला था नहीं बोला था मेरे साथ से बोला इसने आकाश हॉस्पिटल सर्च कर जहाँ होगा वहीं आ जा मैंने बोला ठीक है जहाँ होगा वहीं आ जा इसने बोला आकाश हॉस्पिटल कितना पास है मैंने बोला हमें इतना उल्टा है पड़ा अब हमें कितना टाइम लगेगा पहुँचने में तभी तेरा नीचे बुला लेते मेरे को घर के तुम आ ही नहीं पाते और अंदर है आ जाना जब मैं रफ्तार घर पे आ गया था रफ्तार कौन है यही पास में उसका घर है अच्छा रफ्तार मेरे को याद ही नहीं है अभी याद आया भारी है भाई हमारे तो अंदर है मेरे को अभी याद आया कि रफ्तार घर भी यही है मैं वहीं वेट कर रहा हूं द्वारका से कहीं जा रहे पंखा रोड से हां तो बहुत ट्रैफिक होगा ट्रैफिक तो भाई मारे साथ दो दिन आएंगे तो आज हम लोग जा रहे हैं एक कॉन्सर्ट कहते हैं इवेंट कहते हैं कॉन्सर्ट ठीक है लाइव कॉन्सर्ट पे जो है विशाल मिश्रा का मैं आज तक इससे पहले कभी नहीं गई मेरे को बहुत मतलब ऐसे आया है कि चलो चल लेते हैं दर्शन रावल का भी हुआ था बट मैं कभी गई नहीं मेरे को शौक ही नहीं है बट इस बार जाके देखती हूँ क्या पता अच्छा हो वो मेरे साथ ही जिम करते विशाल सर विशाल मिश्रा हाँ हम सेम जिम में तो है एनी टाइम सब साथ में जाते जिम विशाल भाई मेरे को देखे हैं बहुत बार फैजू भाई हम लोग सब साथ में करते हैं 1 घंटा 1 मिनट तो वहाँ पर भी गाना गाते हैं गाने बजा रहे हैं अरे कोई दिक्कत नहीं भाई मेरा फोन चार्ज लगा दो प्लीज चार्ज पे लगा रहे हैं भैया तो ऐसे ऐसा और हमें जाना है JLN स्टेडियम जो है यहाँ से बहुत दूर उससे पहले मेरे को ना कॉफी चाहिए मेरे को ना मेरा बीपी लो हो रहा है अगर JLN में जाके मिलेगी कॉफी VIP मोमेंट लग रखी है अरे यार कोई VIP आया है मतलब आपने कोई VIP है तो ऊपर भी रोड जाम कर दी जा रहा होगा इस चक्कर में इतना ज्यादा ट्रैफिक लगा है पूछो मत भाई अब जाके ट्रैफिक खुला है ऑलमोस्ट 10 मिनट को देखना है कौन है ये ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है इसको ये बाइकर है बाइकर का मतलब है कि रोड पे उछालते रहो अपनी बाइक ये कौन सा बाइकर होता है जो रोड पे उछाल रहा है मतलब सीरियसली उन्होंने अपनी पूरी बाइक उछाल दी रोड के ऊपर बाइक उछाल दी इन्हें देखना पूरी बस लगा रखी है बीच के रोड पे एक VIP के चक्कर में एक VIP के चक्कर में बताओ हद तो उसकी भी जो बाइकर था यानी कैसा था गड़बड़ खा के सही है कुछ तो यहाँ से क्या होगा VIP कहीं नहीं यहाँ इस साइड से निकला होगा मतलब अच्छा उसका मतलब मन नहीं है जाम में खड़े होने का उसको हम नॉर्मल पब्लिक है ना इसलिए अरे हम अपने VIP ये देखो वाओ लवली पर इवेंट है और यहाँ कहीं भी पार्किंग नहीं है इतना रश है पूछो मत लोग तो यहीं से जा रहे हैं वापस ऐसा लग रहा है भाई भी रिसेंट फेमस विशाल मिश्रा गाना गा रहे हैं और हमसे स्पीकर सुन पा रहे हैं ठीक है क्योंकि हमें यहाँ पार्किंग ही नहीं मिल रही इतना रश है लाइक पूछो मत भाई बहुत तगड़ा ही रश है मतलब कुछ तो तगड़ा ही सिंगर है मतलब मैंने वैसे उनके वैसे गाने सुने मेरे को पता नहीं कि ये गाने उन्होंने गाए मेरे को वेजिटेबल जूस दी आंटी बोला एंट्री बंद हो गई ना नहीं
नहीं नहीं तो करवाओ ना, करवा रहा हूँ एंट्री ऐसी हूँ मैं। और भाई बहुत ही ज्यादा ही रश है। विशाल मिश्रा पहले भी मैं इंडिया टू मैं अलग लग रहा हूँ कह रहा पूरी पूरी में भी मैं अलग लग रहा हूँ। आउटफिट चेक हो गया, आप तू दिखा दे अपना आउटफिट चेक। भाई बाहर से सुनना पड़ेगा क्या विशाल मिश्रा को? बाहर से बताओ, कमेंट करके बताओ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, बता दो कौन अच्छा लग रहा है। अब तुम बताओ, ये देखो अभी बताएंगे लोग कौन अच्छा लग रहा है। अरे माँ भाई इसकी जैकेट है, कैसे दिखाओ जैकेट है यार। कंप्रेसिव जैकेट होगी ना, वो कंप्रेस होगी वो पूरी, ठंडी लगती है। जूते चप्पल सब जूते चप्पल सब रखे हैं इसमें, गंदे हो गए जैसे वॉशरूम सब रखा है जींसों के अंदर। जैकेट लेके आया था ना, चेक हो रही है ना। ये अलाउड नहीं है, नहीं ले आ सकता। तो ये अभी कहाँ रखे हम? अभी डस्टबिन में जाएगी। वीआईपी का अलग से सिस्टम, ये क्या है फिर? ये तो करासा रोंज है, ये नहीं है बताओ। यही तो है, सही तो जा रहे हैं मतलब। हम पर कुछ खाने के लिए भी है, वाओ मोमो है, पिज्जा है और प्राइजेस है। पिज्जा के प्राइजेस है ये चीज पिज्जा 200 रुपए का सिर्फ, और पनीर पिज्जा है 300 रुपए का। और ये बॉयज के लिए टॉयलेट है, ये कैसा टॉयलेट है, यहाँ कैसे करेंगे इसमें, कैसे करेंगे? पर अपना जगह नहीं है यार, विश्वास है और अच्छा क्लियर दिखेगा रूम में। तो तुम जाके बात करो ना एक बार, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यार, मैं अकेले कहाँ का तुम लोग को ढूंढूंगा साथ। इसको ले जाओ विशाल को, मैं कहीं खड़ी हूँ खाने के पास, भूख लग रही है। So this is a very special medley that my band thank you, that my band has prepared for you. How many KK fans here? If you can put the light on people that are behind. Oh yes. Don't worry, I'll come there. I promise you I'll come there. Right there with you guys. I'll sing for you. So how many KK fans here, everybody? So the thing is, let's hear it. K, 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 K. जुआ जख्मों को मेरे